हेलो गाइस, आज के सेशन में हम जो देख रहे हैं वो है साइलेंट लेटर। हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं, मतलब साइलेंट लेटर जो कौन कौन से होते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन और लेटर्स देखेंगे कौन कौन से होंगे आज क्लियर करने वाले हैं, जो हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, रीडिंग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, हमारे समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, हमारे बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए, बेस लेवल को स्ट्रांग करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, के साइलेंट। अब के साइलेंट कब होता है, चलिए इसका भी देख लेते हैं, रूल क्या कहता है ये। एन से पहले आया के, एन से पहले आया के साइलेंट होता है, वो कैसे होता है चलिए देखते हैं। के एन ओ सी के, नॉक, इसको क्नॉक नहीं पढ़ेंगे, इसको नॉक ही पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ के साइलेंट है, हमेशा ध्यान रखना। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अभी जो जो एग्जाम्पल मेरे पास अवेलेबल है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे आप सर्च करते रहिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे और वीडियो चाहिए इस पर, तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। नेक्स्ट वन है आपका नीड, नीड, नाइफ, नाइफ, नो, नो एंड नी, नी, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। नेक्स्ट, अब एक नोट है, हमें पता है अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं, ओके। अब जिसमें से 14 जो है साइलेंट है ना, साइलेंट, और 12 जो है साइलेंट नहीं होते हैं। तो इसमें से जो लेटर है, 14 लेटर और 12 लेटर, अब मैं आपको वो क्लियर कर दूं कि 14 जो लेटर होते हैं वो साइलेंट होते हैं और 12 लेटर जो है साइलेंट नहीं होते हैं। वो मुझे आप कमेंट में बताओगे, वो लेटर कौन कौन से हैं मुझे कमेंट में बताओ, ओके। सो आंसर का वेट करूंगा आपको, इनका जवाब देना, मतलब इसका जो जवाब देना है वो कौन कौन से लेटर हैं जो साइलेंट होते हैं, साइलेंट नहीं होते, मुझे कमेंट में बताओ, लिख के बता दो कमेंट में। और ऐसे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट जरूर करो, ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, बेसिक नॉलेज आपको क्लियर होता रहे। अब मैं आपको बता दूं, और भी ज्यादा आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे, बेसिक लेवल को स्ट्रॉन्ग करते रहे, इंग्लिश सीखते रहे और सिखाते रहें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आया और क्या बोलना है, बस इतना ही रखेंगे आज, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके लिए सच में वीडियो प्रॉफिटेबल है, लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल आप सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।